नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन पर बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, खुशखबरी है। 15 अगस्त के बाद प्रमोशन की घोषणा कभी भी हो सकती है, उसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। विस्तार से पूरी घर जानेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभी ये खबर जो आ रही है दिल्ली से आ रही है। जब दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इस प्रकार करेगी तो मध्य प्रदेश सरकार पर विशेष रूप से दबाव पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय से मध्य प्रदेश में पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं। विस्तार जानेंगे दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो आइए जान लेते हैं लेट्स गो। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। अगस्त में कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। बीते दिनों केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस बात के संकेत दिए थे और कहा था कि कई अधिकारियों को पदोन्नति देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अगले 2 से 3 सप्ताह में प्रमोशन की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी प्रमोशन का ऐलान किया जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2022 को 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रमोशन दिया था और अब एक बार फिर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अगस्त में सरकारी अधिकारियों को प्रमोशन देने की तैयारी में है। PIV ने भी एक ट्वीट में बताया कि केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार पदोन्नति को लेकर गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ली है। दरअसल जुलाई में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह का के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT एक बार में 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति देने के बाद अब अगले अधिकारियों के लिए तैयार है, जिन्हें अगले 2 से 3 सप्ताह में उनकी पदोन्नति मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि उनकी पदोन्नति के मामले में भी नियम अनुसार तेजी लाई जाएगी, क्योंकि इस पदोन्नति से पहले अधिकारियों के लिए 1 वर्ष से 18 महीने तक के प्रशिक्षण का अनिवार्य प्रावधान था। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और पदोन्नति देने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी पदोन्नति के सेवा से सेवानिवृत्त हो जाना निराशाजनक है और उन्होंने इस पूरे मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अब से सभी भावी पदोन्नतियाँ सुव्यवस्थित हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे 8,089 कर्मचारियों को पदोन्नति देने में सभी कानूनी बाधाओं को सुलझा लिया गया है, जिससे 4,734 CSS से, 2966 CSS से और 389 CSCS से हैं। यह ध्यान में रखने योग्य कि इससे पहले हाल ही में 1 जुलाई 2022 से DOPT ने एक ही बार में 3 प्रमुख सचिवालय सेवाओं से संबंधित 8,089 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति दी थी। बता दें कि केंद्रीय सचिवालय सेवा यानी कि CSS, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा यानी कि CSSS और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा CSCS से संबंधित इन कर्मचारियों के सामूहिक पदोन्नति के आदेश पिछले 2 महीनों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से व्यापक रूप से परामर्श किया गया है, क्योंकि कुछ आदेश लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारी को प्रमोशन करेगी तो राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा और विशेषकर मध्य प्रदेश पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं। तो दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।